हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, जस्ट उनके लिए बता दे रहा हूँ, आई हैव स्टार्टेड फ्री कोर्स लाइक डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कोर्स। सो दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेनिंग नॉलेज और जो एक्चुअली लुकिंग फॉर यू नो जॉब और दे वॉन्ट टू बिल्ड ए करियर इन डेटा साइंस, तो दे कैन गो थ्रू माई वीडियोज़। ऑलरेडी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। ऑलरेडी इससे पहले आई थिंक दो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए, इंट्रोडक्शन, फेयर और भी चीज़ें। तो इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो इसमें हम लोग आज लिस्ट देखेंगे। लिस्ट क्या होते हैं पाइथन में? अभी हमने पाइथन का स्टार्ट किया है, जैसे पाइथन का ख़त्म होगा फिर वी विल गो फॉर मशीन लर्निंग, फिर व्हाट यू कैन से डीप लर्निंग वगैरह भी देखेंगे वन आफ्टर वन। बट इन दिस वीडियो लिस्ट देखना है हमें, उसके कुछ कोड्स देखने, कैसे यूज़ करना है। सो गाइज, सेम पैटर्न आई एम फॉलोइंग। फर्स्ट आई विल बी गिविंग यू थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल हूँ। बट थोड़ा सा चेंज मैंने कर रखा है इस बार। इस वीडियो में वी विल लुक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं तुम्हें उसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। आई होप यू गाइज हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एनाकोंडा और उसमें से तुम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साइड बाई साइड। एंड वही गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल, आगे भी और भी वीडियोज़ आएंगे। बहुत लंबा कोर्स है, आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द खत्म करूँ कोर्स। तो वही है, तुम लोग का भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए। आई शुड नो कि कितने लोग यू नो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग एडवांटेज, कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है। और तुम लोग के भी कुछ सजेशंस होंगे, हर बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जो भी हो अप्रिशिएट भी किया करो इन द कॉमेंट सेक्शन। वही है गाइज, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, सो गाइज, टुडेज़ फर्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल को आई कैन असाइन अ वैल्यू लाइक एक्स इज इक्वल टू सम 4, है ना। बट द प्रॉब्लम इज हियर कि आई कैन नॉट असाइन एक वेरिएबल को 2 से 3 वैल्यूज लाइक 4, फिर इसको भी 5 दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, राइट। दिस इज द इशू, आई कैन ओनली असाइन 1 वैल्यू टू 1 वेरिएबल। तो ओवरकम दिस इशू, कभी कभी हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू भी हमें असाइन करने होते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज हमें इनपुट देना होता है, तो वो कैसे करें? तो वी विल बी यूजिंग लिस्ट फॉर इट। लिस्ट मतलब क्या रहेगा? सिंपली हम ऑब्जेक्ट्स, हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं या काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन गिव इनपुट टू सम रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल, कोई एक कंसिडर कर लेते हैं हम, सपोज ए नाम, ए को हम लिस्ट असाइन करते हैं सपोज। तो इसमें 2-3 रूल्स भी है। फर्स्ट चीज़, जब भी तुम लिस्ट दे रहे हो तो इट शुड बी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इनक्लोज करना है। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से हम सेपरेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट्स दे रहे हो, और लिस्ट को हमेशा इनक्लोज करना है हमें यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज लेट अस कंसीडर ए, ए को असाइन करते हैं हम, यहाँ पे असाइन कर सकते हैं हम लाइक 22, 24, 25, some 21। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल को असाइन किया है लिस्ट यूजिंग इनक्लोज बाय दीज स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज यूज़ किए हैं और उस सीक्वेंस को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ तुम्हें। फर्स्ट थिंग, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लिस्ट। लिस्ट आर ऑर्डर्ड। पहली चीज़ ये याद रखना कि वो हमेशा ऑर्डर्ड रहते हैं। ओके, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग, लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। इंडेक्स यूज करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। इंडेक्स इज नथिंग बट, जैसे कि अभी हम नॉर्मल वे में, अभी तुम लोग जब भी चैप्टर भी देखते हो, जब पोर्शन में होता है ना, इंडेक्स होता है उसमें चैप्टर, तो हर एक के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, 1, 2, दीज नंबर्स इंडिकेट्स व्हाट, इंडेक्स ऑफ द चैप्टर। तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली, इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। वो बताऊंगा कैसे इंडेक्सिंग होता है लेटर ऑन। वन मोर लास्ट पॉइंट हियर, लिस्ट आर
म्यूटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये तो मैं पता रहना चाहिए। कभी कभी कोई इंटरव्यू में पूछ भी ले सकता है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर इंटरव्यूज कि हमेशा लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है, इन शॉर्ट यू कैन मेक चेंजेस इन द लिस्ट। कोई भी लिस्ट है, आई कैन चेंज, जो आई कैन अपडेट एलिमेंट्स, आई कैन ऑल्सो रिप्लेस एलिमेंट्स, ये सब मैं चेंजेस कर सकता है। ये सेट में है, अभी 22 की जगह पे मैं 24 डालना चाहता हूँ फिर से, या 27 डालना चाहता हूँ, तो 22 को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। ओके, सो लेट्स गेट अहेड। तो एग्जाम्पल ये हो गया लिस्ट का। इसमें लिस्ट में तुम कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है सारे नंबर्स ही हो। ओके, तो तुम बहुत सारे स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हो, फ्लोट यूज़ कर सकते हो, बुलियन भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कोई भी एक इसमें तुम असाइन कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। ओके, सो इन शॉर्ट पाइथन लिस्ट में क्या रहेगा, इट इज़ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, है ना। बहुत सारे आइटम्स को कलेक्ट करके स्टोर करने का एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, ठीक है, इन पाइथन। सो यू कैन ऐड एनी थिंग इफ़ यू वॉन्ट, इंटीजर्स भी ऐड कर सकते हो। अभी तो मैंने सारे इंटीजर्स ऐड किए, इफ़ यू वॉन्ट तुम स्ट्रिंग्स भी अटैच कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 24 की जगह पे अगर तुम्हें राज लिखना होता, किसी का नाम लिखना होता, वो भी लिख सकते हो यूजिंग डबल व्हाट यू कैन से इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अभी लेट्स गेट टू इंडेक्सिंग। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडेक्सिंग के लिए भी समझा देता हूँ। सपोज यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये सपोज एक लिस्ट है। तो याद रखना है, इंडेक्सिंग हमेशा दो रहती है इंडेक्सिंग में, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दूसरा होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वाला देखते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो पहला एलिमेंट कंसिडर्ड है जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे इंडेक्सिंग होती है। तो हमेशा इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो जीरो से स्टार्ट होता है, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। यूजुअली वन से स्टार्ट होगा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज कंसिडर जीरो, फिर वन, टू, थ्री, ऐसे इंडेक्सिंग होती है फॉर पॉजिटिव। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हम सेम अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, 22, 24, 25। आई थिंक बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कैसा रहेगा नेगेटिव में, उल्टा रहेगा, लेफ्ट साइड से नहीं आएगा, राइट साइड से आएगा। तो यू कैन सी लास्ट एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज -1, फिर -2, फिर -3, ये फिर -4, ऐसे इसकी इंडेक्सिंग होती है, इट विल गो ऑन। सो दिस इज द वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे यूज कर सकते हो। चलो लेट्स गेट अहेड, नेक्स्ट कंसेप्ट इज लिस्ट स्लाइसिंग। डोंट वरी गाइज, इस सबका प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थ्योरेटिकल थिंग्स, और कुछ चीज़ें एडअप होने वाली, जैसे कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे म्यूटेबल वगैरह हो गया, जो चीज़ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में बता सकता हूँ, थ्योरेटिकल बता दो। इसके बाद प्रैक्टिकल में वी विल सी एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, सो लिस्ट स्लाइसिंग एक कंसेप्ट है, ये समझो। अभी सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो अभी पीछे लिया था हमने, रैंडम नंबर्स 22, 24, 25, 21। तो यहाँ पर अभी सपोज, ओके, मुझे स्लाइसिंग का मतलब ही क्या है। अभी इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में हम जब बोलते हैं एक स्लाइस, दो स्लाइस, उसका मतलब क्या है, हम पिज़्ज़ा का कोई पार्ट ले रहे हैं, करेक्ट। सो सिमिलरली नाउ, अगर लिस्ट में से मुझे लिस्ट का कोई पार्ट लेना है, मुझे है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट लेना है या दो एलिमेंट, इसमें से कोई पार्ट मुझे ले लेना है। इट कैन बी वन एलिमेंट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, इंडेक्स का यूज़ करके तुम ले सकते हो, बट मुझे कोई पार्ट ले लेना है, तो वो कैसे लेना है हमें, तो वो स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए। बट सिंपल वे में उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी लिस्ट में से लेना है हम उसका नाम लेना है, ओके, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्ट इंडेक्स, कोलन लगा के, फिर लास्ट इंडेक्स। इंडेक्सिंग ऑलरेडी बता दी है मैंने तुम्हें, यू कैन ऑल्सो टेक पॉजिटिव नेगेटिव, तुम्हारी मर्जी पे। सपोज एग्जांपल, इसमें से मुझे नंबर्स लेने हैं 22 से लेकर 25 तक। चलो लेट अस मेक इट इजियर फॉर यू, 24 से लेके मुझे सपोज 24, 25 दो नंबर्स मुझे चाहिए। सपोज ये इतना पार्ट चाहिए मुझे लिस्ट का 24, 25, तो मैं कैसे करूँगा, ये लगाऊंगा, प्रैक्टिकल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ। तो अगर 24 का इंडेक्स देखोगे तुम, उसका 1 है, करेक्ट, जैसे तुमने बताया था मैंने पॉजिटिव ले रहूँगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2 और 3, सो इसका 1 है, कॉलन लगा के, फिर अभी मुझे 25 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 डाल दूंगा, रिमेंबर दिस थिंग गाइस, ये एक ट्विस्ट है यहाँ पे। जब भी तुम्हें जो भी देना है आगे का देना,
बिकॉज अगर तुम 3 लिख रहे हो तो 3 एक्सक्लूड होगा, फर्स्ट वाला इंक्लूड हो जाएगा, जो तुम इंडेक्स देते हो ओके कोलन के बाद वाला वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उससे पहले का एलिमेंट आ जाएगा। सपोज मैंने 1:3 का दिया है तो रिजल्ट जब रन करूंगा मैं, आउटपुट में मुझे 24 और 25 मिलेंगे, 21 नहीं मिलेगा। ओके ये तो मैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इट विल बी क्लियर फॉर यू। अभी कुछ फंक्शंस हैं विच आर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। एक होता है अपेंड फंक्शन, सेकेंड इज इंसर्ट फंक्शन। ओके दीज आर द टू फंक्शंस दैट वी विल बी यूजिंग इन लिस्ट। तो ये दो फंक्शंस हम यूज किस लिए करते हैं गाइज, अगर हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, एलिमेंट्स आर एडेड इन लिस्ट यूजिंग दीज टू फंक्शंस, अपेंड और इंसर्ट फंक्शन यूज करके तुम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मुझे कोई और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो आइदर आई कैन यूज इंसर्ट फंक्शन और आई कैन ऑल्सो गो विद द अपेंड फंक्शन। दो फंक्शन यूज करके हम उसको ये कर सकते हैं। वी विल लेट सी इन द प्रैक्टिकल की कैसे ऐड करना है, उसके बाद तुम्हें वहाँ बताऊँगा, क्लियर रहेगा तुम्हें वहाँ पे बताऊँगा। तो नेक्स्ट अगर तुम देखोगे और जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा, इट विल बी फर्स्ट रिमूव वाला, सेकेंड रहेगा पॉप फंक्शन। ओके नाम से याद रखना गाइस, रिमूव और पॉप यूज करते हैं हम। ये क्यों यूज करेंगे हम, एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट। ओके सो तुम रिमूव या फिर पॉप यूज करके एलिमेंट्स को निकाल सकते हो कोई भी लिस्ट में से। सो दीज आर द फोर फंक्शंस दैट वी विल बी यूजिंग इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। ओके आई होप इट इज क्लियर फॉर यू यहाँ तक, और इसका हम फिर अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे सबका इम्प्लीमेंटेशन, और भी जो भी चीज़ें जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल टाइम पे तुम्हें बताऊंगा, और भी कैसे कैसे तुम लोग कोड यूज़ कर सकते हो, इन शॉर्ट एक्सटेंड वगैरह कैसे करना है, इंडेक्सिंग कैसे लेना है या फिर इंडेक्स कैसे लेना है, ये प्रैक्टिकल में क्लियर होगा। आई होप इतना थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आया। लिस्ट में बस ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ओके डिक्शनरी जब हम पढ़ेंगे तभी भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट डिक्शनरी इज़ नॉट म्यूटेबल। वही अगर लिस्ट की बात करें हम, इट इज़ म्यूटेबल, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है।